तनी भूमिका माच क्या बात तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा। ओके फ्रेंड कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ लेकर के एक और बहुत ही धमाकेदार आपको लिए बहुत ही बवाल स्टेटस का जो फुल वीडियो दोस्तों जो कि ऑलरेडी अपने प्रीव्यू में देख चुका होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया दोस्तों कि हमारा जो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको लिए दोस्तों मैं बहुत ही बवाल बवाल स्टेटस जो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। एंड हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों कि आपका लाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसान से मिल जाता है। अगर आपको उसको में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइट मोशन दोस्तों पिन है वहाँ से जाकर बहुत ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसमें जो भी मटेरियल वगैरह यूज होगा दोस्तों जैसे कि सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट एंड शेक्सपियर प्रोजेक्ट उस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो वहाँ से सिंपल से इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों इसमें जो भी फोटो यूज होगा दोस्तों वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ये जो मटेरियल दोस्तों मैं छठ पूजा के ऊपर जो है बनाया हूँ तो दोस्तों सिंपल अलर्ट मोशन को पेन कर लेना होगा। अलर्ट मोशन को पेन करेंगे दोस्तों तो कुछ प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है दोस्तों। सिंपल से आपको दोस्तों यहाँ से आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको छठ पूजा स्पेशल सोमवित मार्क एंड छठ पूजा स्पेशल सैकी पैक दोस्तों जो कि दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ प्रकार से दोनों जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में वहाँ से इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों सिंपल से दोस्तों अपने सोमवित मार्क प्रोजेक्ट पे आपको आ जाना होगा। सोमवित मार्क प्रोजेक्ट पे आप जैसे ही आएंगे दोस्तों आप कुछ प्रकार का मैं आपको इंटरफेस ऐप में दे दूंगा दोस्तों जो कि बहुत ही ऑसम आपको लिए लगेगा। तो दोस्तों सिंपल से आपको दोस्तों यहाँ से आपको इसको पहले आपको डिसेबल करके दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको प्लस पे जाना है दोस्तों। प्लस पे जाने के बाद आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों आप जहाँ भी फोटो रखे रहेंगे दोस्तों उसका आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मान लीजिए फोल्डर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको कोई भी फोटो लेना होगा। लेने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है फिर कमर्शियल एप पे क्लिक करके कुछ प्रकार से आपको तीर पे क्लिक करके इंस्टा पार्ट को कट कर लेना होगा। इतना जाने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको यहाँ पे छोड़ देना दोस्तों। और जो सारे जो बिट दिख रहा है दोस्तों इसमें जो है आपको रेड बिट के साथ दोस्तों फोटो अटैच कर लेना होगा। तो मैं सारे बिट के साथ दोस्तों पहले फोटो अटैच करके आ जाता हूँ। सो ओके फ्रेंड आप दोस्तों मैं सारे बिट के साथ दोस्तों फोटो अटैच कर लिया दोस्तों सिवाय यहाँ पे छोड़ के दोस्तों। और छोड़ने के बाद दोस्तों इसमें वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा शेक इफेक्ट को यूज करना है तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। आपका भाई आपको लिए सारा कुछ बताएगा दोस्तों कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा शेक इफेक्ट को यूज करना है। तो दोस्तों सिंपल से आपको दोस्तों अपने सोमन बैट प्रोजेक्ट आपको बाइक आ जाना होगा। बाइक आने बाद अपने शेक इफेक्ट पे आपको आ जाना होगा दोस्तों। दोस्तों आपको जो पहला फोटो दिख रहा है दोस्तों इस पर क्लिक कर देना होगा। इफेक्ट पर जाकर कुछ प्रकार से उसको कॉपी इफेक्ट कर लेना होगा। आपको बाइक आना है एंड अपने सोमन बैट प्रोजेक्ट पर आपको फिर से जाना होगा दोस्तों। सोमित मार्ग में जैसे आएंगे दोस्तों तो आपको कुछ प्रकार से स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा। करने के बाद दोस्तों आपको जो पहला वाला फोटो दिख रहा है दोस्तों सिंपल से आप इस पर क्लिक कर देना होगा। फिर भी कुछ प्रकार से दोस्तों इसमें आपको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करना जो यहाँ पे दोस्तों पांचों फोटो दिख रहा है दोस्तों पांचों फोटो पे दोस्तों इफेक्ट को जो है आपको पांचों फोटो पे पेस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं इसीलिए मैं दो फोटो पे पेस्ट किया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे पेस्ट हो जाने के बाद आपको 7 सेकंड 16 पे आ जाना होगा दोस्तों जो कि यहाँ पे 7 सेकंड 16 पे आने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर करना है। आपको फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ तक 9 सेकंड 8 तक जो है दोस्तों आपको इस इफेक्ट को जो है यहाँ पे पेस्ट करते रहेगा जो आपको छोटे छोटे सारे फोटो दिख रहे हैं दोस्तों। इतना हो जाने के बाद आपको 18 सेकंड 16 पे आ जाना होगा दोस्तों जो कि आपको 18 सेकंड 16 पे मैं आ जाता हूँ। आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल अप करना दोस्तों आपको फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना होगा। हाँ दोस्तों आपको यहाँ पे 19 सेकंड 8 का पे जो 3 फोटो आप अटैच कर रहे हैं छोटा छोटा इन 3 फोटो में आपको पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद फिर से बाइक आ जाना है एंड अपने सेक पेट पर आपको फिर से आकर दोस्तों यहाँ से आपको दूसरे फिट को कॉपी कर लेना होगा। दूसरे फिट को कॉपी करने के बाद दोस्तों सिंपल से बाइक आ जाना है ना अपने 100 बिट मार्क प्रोजेक्ट पे आपको फिर से आ जाना होगा।
सोम ग्रीन मार्क करने के बाद दोस्तों आपको 3 सेकंड 16 पे आ जाना होगा दोस्तों। आने के बाद उसको डाउन करना दोस्तों, एंड आपको फोटो पर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको दूसरा फोटो पर क्लिक करके यहाँ पे भी पेस्ट आप कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो सारे फोटो दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ तक, दोस्तों यहाँ तक 7 सेकेंड 1 तक जो है आपको इस फोटो को यूज कर लीजिएगा। यहाँ तक जो सारे फोटो अटैच कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक पेस्ट हो जाने के बाद फिर से बाइक आना है हमें अपने सेल्फ पेट्रो को। फिर से आ गया जो आके दोस्तों है आपको तीसरे फोटो पर क्लिक करके उसको कॉपी फिट करना है दोस्तों। एंड आपको बाइक आके सोमवीट मार्क पर आपको फिर से आ जाना होगा। सोमवीट मार्क आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको 19 सेकंड 17 पे आ जाना होगा दोस्तों, जो कि मैं आ जाता हूँ कुछ प्रकार से दोस्तों। सुबह 9 सेकंड 17 पे आना है आपको, यहाँ काफ़ी 9 सेकंड 17 पे आने के बाद उसको डाउन करना है ना आपको। फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट करके दोस्तों, ना आपको दूसरा फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे भी आपको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे जो सारे फोटो अटैच कर रहे हैं दोस्तों यहाँ 18 सेकेंड तक दोस्तों, अब मैं आ जाता हूँ 18 सेकेंड तक। जब कुछ जो 18 सेकेंड 1 तक दोस्तों दोस्तों अब जब जो भी फोटो अटैच कर रहे हैं दोस्तों यहाँ तक जो अब जो सारे फोटो दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ तक जो आपको जो सारे फोटो आपको 8 सेकेंड 1 तक जो है पेस्ट कर लीजिएगा दोस्तों 9 सेकेंड 17 से। ना को पेस्ट करने के बाद फिर से बाइक आ जाना होगा और अपने सेल्फ पेट्रो को फिर से आकर दोस्तों आपको लास्ट वाले फोटो पर क्लिक करके इसको भी कॉपी फिट करके दोस्तों ना आपको बाइक का लेना होगा। आने अपने सोमवीट मार्क पूजा पे आपको फिर से आ जाना होगा। सोमवीट मार्क पूजा पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको स्क्रॉल करके आपको आ जाना होगा दोस्तों 19 सेकंड 18 पे दोस्तों। तो मैं 19 सेकंड 18 से कुछ प्रकार से आ जाता हूँ। आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, आपको फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे भी आपको पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको दूसरा फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप जो सारे फोटो आप अटैच कर रहे हैं दोस्तों लास्ट तक दोस्तों आपको लास्ट तक जो आपको इस फोटो को यूज कर लीजिएगा। यूज करने के बाद दोस्तों सिंपल इसे आपको स्टार्टिंग पे आ जाना होगा, जहाँ पे अभी मैं बताया था आपको फोटो छोड़ देना दोस्तों। यहाँ पे मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको लिखा है दोस्तों PXT 9/16, तो दोस्तों मुझे समझ में आ गया दोस्तों क्योंकि इसमें जो 9/16 का जो फोटो को एड करना है। तो दोस्तों आपको फोटो में हर वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों कि आपको कैसे 9/16 का जो साइज फोटो बनाना है। तो बनाने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको उस फोटो को ले लेना होगा जो आप 9/16 का बनाए रहेंगे दोस्तों। तो उस फोटो को लेने के सिंपल से फोटो पे क्लिक, इमेज पे जो आपको ब्लू दिखाए इमेज पे क्लिक करके कलर में फिर जाना दोस्तों, आपको स्टार पे चले जाना होगा। स्टार पे जाने के बाद दोस्तों आपको स्टोरेज साइज का एक फोटो जो अभी एक्सपोर्ट करे रहेंगे दोस्तों उसको आपको ले लेना होगा। तो मान लीजिए मैं ये वाला फोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसको इनेबल करना होगा। दोनों को इनेबल करने के बाद दोस्तों आपका स्टेटस जो बिना जो है किसी देरी के दोस्तों आना आपकी काफ़ी आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी से कुछ जो दोस्तों आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों ना अपने गैलरी में जो सेव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सिंपल से आपको दोस्तों बॉक्स पर क्लिक कर देना है एंड आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 2 से 3 मिनट लगेगा दोस्तों आपका स्टेटस काफ़ी आसान तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।